हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं, नमस्ते जगन्नाथाय, नमो यशवंतानंदं, बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली, आज अध्याय आलोचना को आपण मान को स्वागत जनाऊ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँ। सत्य युगरे किए से नारी, किए से सती नारी, पतिव्रता नारी, जी स्वामी गला परे मध्य कड़ी युगरे आज मध्य शंका सिंदूर से धारण करुछ। किए से नारी, किए से पतिव्रता नारी, किए से सती नारी, जी कि स्वामी गला परे मध्य चली गला परे मध्य आज मध्य से शंका सिंदूर धारण करुछ। महापुरुष सुंदर भाव कहिले विधवा नारी केते भेले सिंदूर पिंधे ता कपाले, राधे गोविंदा 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 पदुगाड़ुचि मकरंदा। सुधी जने ज्ञानी गुणी मंडली, पति बिना अन्य गति नाही, अबलार पति ही सर्वस्वतार जीवनार सार। महापुरुष सुंदर भाव ये कथा को आलोचना करिसंते। तेणु स्वामी वंचित थिबा अवस्थारे गोटे नारी सिंदूर धारण करिबो, हाथ में शंखा पिंधिबो, आ शास्त्र मध्य प्रमाण देइछंती जे सिंदूर होची सौभाग्यनीर प्रतीक, सधवार चिन्ह। जे नारीटी सिंदूर मथार पिंधिथिले आमे देखी कौन कह ये गोटे सधवा नारी, नुई विवाहिता नारी, सिंदूर थिबा पर्यंत ता मथारे शोभा पाउथिबा पर्यंत आमे जानिबा हाँ तार स्वामीटी अच्छी जो सधवा। किंतु जे पर्यंत नारी मथारे जदि सिंदूर नाही आमे सेतबेळे कौन भाविबा, वयस्क गोटे नारी की देखिले मुंडरे से मथारे सिंदूर नाही, हाथरे चूड़ी नाही, शंखा नाही, तले आमे कौन भाविबा हाँ ये तार स्वामी चली जाइछंत। तो महापुरुष कहले विधवा नारी केते बेले सिंदूर पिंधे ताक पाले, केते बेले पिंधे स्वामी चली गला परे थी बंची थी अवस्था सिंदूर पिंधिबो, किंतु स्वामी चली गला परे मध्य आज भी सी शंका सिंदूर पिंधुची। किए सी नारी, नारी चारोटी जगार, नारी चारोटी जगार सिंदूर धारण करिवार विधान शास्त्र रही। सिंदूर होची सधवार चिन्ह, स्वामी द्वारा स्त्री मथार शोभा पाए। शास्त्र कौन कहती ना सीमंते सागर कन्या कपाल मते चंडिका कंठे सरस्वती देवी शंखा मते तू सावित्री। ये चारोटी जगार नारी सिंदूर पिंधिबा दरकार शास्त्र कहिले, आ सिंदूर सधवार चिन्ह, स्वामी द्वारा स्त्री मथारे शोभा पाए। कौ कौ जगार से सिंदूर पिंधिब, कौ कौ जगार नारी सिंदूर पिंधिबार विधान शास्त्र लिखा जाइछि। शास्त्र कहिछंती ना प्रथमे सीमांते सागर कन्या, सीमांतर प्रथमे पिंधिब सिंदूर। ए मा माने
आम जी पिंजुचे सिंदूर धारण करुचे आम प्रथम सीमांत सिंदूर धारण करवा कहीं सिंदूर पिंधा जाए ये कथा मध्य महापुरुष लिखिंट कहीं धारण कराए ना सीमांत सगर कन्या ये रही कि सगर कन्या कह लक्ष्मी ये सीमांत माँ लक्ष्मी रही से गोटे नारी सिंदूर धारण करने समय सीमांत से माँ लक्ष्मी की स्मरण कर हे माँ महालक्ष्मी मो स्वामी की केत अभाव न पड़ू धनधान्य मो स्वामी परिवार अर्थात मो शाशुघर को तु पूर्ण कर दे मो शाशुघर परिवार को अभाव न पड़ू अन्नर अभाव न पड़ू कौन सी पदार्थर अभाव न पड़ू मो स्वामी सब बड़े धन जन धन अन्न ये दीटा मो स्वामी की केवल अभाव न हो तु तो प्रति मो स्वामी प्रति तु दया रखी थी लो माँ लक्ष्मी की ध्यान करी स्मरण करी प्रार्थना करी नारी प्रथमे सीमांत सिंदूर धारण करे द्वितीय रे ना कपाल मध्ये चंडिका द्वितीय रे कपाल रे से धारण करिवो प्रथमे सीमांत पर कपाल कपाल रे किए अछंती ना चंडिका गोटे सधवा नारी जब कपाल रे सिंदूर धारण करिवो माँ चंडिका माँ पार्वती की स्मरण करी से स्मरण करी लगेबो ए हे माँ तु सबुबले मो पति मो प्रति तांकर मो छड़ा आउ कि का प्रति तांकर केबे हेले आसक्ति न बढ़ु अन्य को नारी प्रति तांकर दुर्बलता तांकर मन भीतर न रहु तृतीय धारण करे कंठे सरस्वती देवी कंठरे नारी धारण करिबो सिंदूर काहेकि ना ए कंठरे होचनी सरस्वती के मधुर विनय वचन कही तो शिव जन मन रे गोविंदा 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 पदुगाड़ो शिव करंदा बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु कंठे सरस्वती देवी कंठरे नारी धारण कर सिंदूर कहीं माँ मैंने कंठरे कहीं धारण करती ना कंठे सरस्वती देवी मु मधुर भाषी हुए मु कोमल भाषी हुए मोर कथा मोर पाटीरु जहाँ शब्द बाहर ता अन्य मनरे अर्थात मो शाशुघर परिवार जो शाशु रहिले ससुर रहिले दियर रहिले ननंद रहिले मो स्वामी रहिले दड़सुर रहिले मोर जा माने रहिले मोर एभली मु शब्द तांका प्रति कहे एभली वचन मु कहे जिमि मोर वचन मोर कथा तांकु कष्ट न दहु मधुर भाषी मु हुए मिष्ठ भाषी मु हुए कर्कश शब्द मो पाटीरु न बाहरु तो सेइदिमे कंठरे नारी सिंदूर धारण करे चतुर्थर कौटी नारी सिंदूर पिंधे ना शंखा मध्य तु सावित्री चतुर्थर नारी शंखार टे सिंदूर पिंधे गाधुआपाद सर धुआ नुआ वस्त्र शाढ़ी पिंधि सारापर गोटे नारी जो सिंदूर धारण करते चारोटी जगार से धारण कर शंखार कहीं पिंधे ना शंखा मध्य तु सावित्री ये शंखार किए अच्छा ना सावित्री देवी से माँ सावित्री की स्मरण करी नारी सिंदूर पिंधिबो ए माँ सावित्री जिमिति जमराज ठारू मो स्वामी मलापर मध्य मो स्वामी आयुष मु जमराज ठारू नहीं आसी पारी मो स्वामी जीवन मु जमराज ठारू फेरे आनी पारी तेणु सबू सदा सर्वदा मो स्वामी की तु चिरंजीवी कर रखी था अर्थात मु गला बेले आउ किछि नुह एई दीटा नै कि जीवी शंखा सिंदूर याकु नै कि जीवी जीवी अर्थात मु थाऊ थाऊ मो स्वामी न जात सीए थाऊ थाऊ मु चली जाए सब बेले मु सधवा हेकि थाए मो शंखा को सिंदूर को वज्र कर तेणु से भाई जमराज ठारू जमी सावित्री स्वामी आयुष फेरे आनी पारी जीवन फेरे आनी पारी तेणु मो स्वामी को सबु आपद विपदर सबु संकटर ए माँ तु रक्षा कर चिरंजीवी मो स्वामी हंतु तेणु ये चारोटी जगार नारी सिंदूर धारण करार विधान शास्त्र रही ज्ञानी गुणी मंडली शोधे जानी तेणु सत्य युगर किए जी स्वामी गला परे आमे तो स्वामी वंचित ला बेले सिंदूर धारण कले कि स्वामी गला परे मध्य जड़े नारी आज पर्यंत मध्य सिंदूर पिंधुची महापुरुष से कहले विधवा नारी केते बेले सिंदूर पिंधे ता कपाले राधे गोविंदा गोविंदा गोविंदा
सुधीजन ज्ञानी गुणी मंडली किए सी किए सी ना आम जाणीछे कथा समुद्र मंथन जतबले हेला समुद्र मंथन रु 14 गोटी रत्न बाहरी थेला देवता असुर माने मिसी समुद्र मंथन कले भगवान कच्छप अवतार धारण करथिले तेणु 14 गोटी रत्न भितर माँ महालक्ष्मी बाहरी थिले आ से महालक्ष्मी भाई होचने कि जलंधर महालक्ष्मी भाई होचने जलंधर जेतबले जलंधर सहित भगवान शिव शंकर युद्ध लागिथिला जलंधर सहित जो युद्ध लागिथिला जलंधर सहित युद्ध करने समय भगवान शिव शंकर जिते थर त्रिशूल मारुले जलंधर को बध करने जलंधर बध हो ना मरुन कारण कौन कहीं मरुन भगवान शिव शंकर आशुतोष सी त्रिशूल केवल लक्ष्य भेद न करा पर्यटन फेरे ना कि कहीं मरुन जलंधर ना से बर पाई जलंधर कौन बर पाई ना बर या पाई जेपर्यन तुम पत्नी तुम स्त्री सती थी सती नारी होकिन थी पतिव्रता होकिन थी से पर्यंत तोर ही जलंधर मृत्यु हेब ना अर्थात तार जीवन अर्थात स्वामी जीवन स्त्रीर सतीत्व रहा सतीत्व निर्भर कला नुई जेपर्यन स्त्री स्त्री प्रतिव्रता स्त्री सती नारी हो से पर्यन ये मरब ना तेणु से जलंधर पत्नी बा स्त्री होने कि ना वृंदा बा वृंदावती वृंदा तेणु जलंधर स्त्री हेले वृंदा ये पतिव्रता नारी एवं हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी भगवान विष्णु परम उपास उपास्य परम श्रेष्ठ भक्त ये भगवान विष्णु तेणु भगवान शंकर जिते तल त्रिशूल विद्ध करुंच मरुनि कहीं स्त्री सती नारी हो अच्छी पति बिना अन्य गति नहीं अवतार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार पति ही सर्वस्व तार जीवन सार ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने पति बिना अन्य गति ना अबार पति ही सर्वस्व तार जीवन तार गोटे नारीपाई तार स्वामी बा पति पति हूँ इह काल पर कालर देवता ये पूज्य पूजार व्यतिक्रम अतीतर महीयसी नारी मैंने के पुराण शास्त्र जी आम देखा केवे उल्लंघन करून पूज्य पूजार व्यतिक्रम करून तेणु भारत इतिहास रे पंच महाशक्ति को लेकिन आज ये विश्व दरबार भारत विश्ववंदित किए किए अहल्या तारा कुंती मंददरी द्रौपदी तथा अहल्या तारा कुंती मंददरी द्रौपदी हूँ पंचशती पंच महाशक्ति को नहीं आम भारत वर्ष विश्व दरबार आज बंदित आमर ऐतिह्य आमर परंपरा आमर संस्कृति दि महान आपको पंच महाशक्ति कहते अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंददरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापात गनासनम ये पांच जन सती की बा कन्या को प्रतिदिन जी स्मरण करती महामहापातक विनाश हो जाए बोली शास्त्र कहती तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली पति बिना अन्य गति ना अबार इह काल से मु पर कालर देवता काय मनोवाक्य रे सेतबेले काय कले शरीर मन रे वाक्य रे प्रतिर केवेले प्रतिकूला स्त्री माने हो नथिले पति अनुकूला होतले प्रतिकूला पति विपरीत बा स्वामी विपरीत रे केवेले जाउ नथिले विरुद्ध रे जाउ नथिले तेणु से स्वामी जहाँ कहते ग्रहण करते देवता ज्ञान करुले नारी माने कहीं ये नारी परम धर्म बोली सेत नारी भावुला आउ सती नारी कहती निज स्वामी छड़ा स्वप्न सुधा आउ क्यों पुरुष को सी चिंता करू ना शरीर तो अलग कथा जाग्रत अवस्था अलग कथा तेणु कायरे मनरे स्वप्नरे केवल निज स्वामी छड़ा अन्य पुरुष चिंता करू ना कि ना वृंदा तेणु से पतिव्रता यही कथा को भगवान शंकर अदिति की कही कश्यप ऋषि जो पत्नी होने अदिति जितेबले से भगवान शिव शंकर पूजा करुले से भगवान शिव सम्मुखें आविर्भूत हो गले आविर्भूत होकर कौन कहले
ना বিবাহিতা নারীর ধর্ম বিষয়ে অদিতি কি বুঝাইলে কোণ বুঝাইলে বলে হে অদিতি জহি তোর কশ্যপ অটে মো হাতে যা পতি জীবিত থাও তো আনে খর পূজা কলে হে অদিতি পতি তোর কশ্যপ অটে মো হাতে যা তোর স্বামী যে কশ্যপ সে মহাতেজবান সে থাউ থাউ অন্য দেবতা তু কাহি পূজা করছু বলে মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দ জি কি বলে এ কথা তো ন যোগাই জানি যা পরে স্বামীর পাদ সেবা তো করনি তরে স্বামীর পাদ সেবা তো করনি তরে স্বামীর পাদ সেবা তো করনি তরে বলে এ কথা তো ন যোগাই যাও নিজ পুরে অদিতি কি কইতেলে ভগবান শিব শঙ্কর কলে নাই নাই এটি বসিকি জঙ্গলরে মতে সন্তুষ্ট করিয়া পাই তপস্যা করিবার কোনসি আবশ্যকতা নাই যেতিকি সময় এটি তু বরবাদ করুচু এটি সময় বিতাউচু সেতিকি সময় যা নিজ পুরি নিজ ঘরকু যা তোর স্বামী হচ্ছেন কশ্যপ ঋষি মহা তেজবান সি তো স্বামীর সেবা কর তো স্বামীর পূজা কর তো স্বামীর কু তু সন্তুষ্ট কর স্বামীর মন ইচ্ছা তু পূরণ কর আউ সেই হচ্ছে কন না স্বামীর পাদ সেবা তু কর নিরন্তরে স্বামীর পদ সেবা কর নিরন্তরে যাইকি মু সন্তুষ্ট হবি মাতা থাও মাওসী কো পুত্র কিয়া দরি পৃথি থাও সমুদ্রে বরসে কি পানি বরসে কি পানি মাগো বরসে কি পানি বরসে কি পানি মাগো বরসে কি পানি বলে মাতা থাও মাউসী কো পুত্র কি আদরি মা থাউ থাউ পুয়ো যদি মাউসী আদরিলা সেটা সমাজ ঠিক কহে না সমাজের গ্রহণীয়তা নুহ সমাজের তাহা প্রশংসনীয় নুহ তেণু মা আছি মাউসী সে কী আদরিব তেণু সেইভাবে তো স্বামী অছি তু মতো কী আদরিছু মতো কী সন্তুষ্ট করা চাহুছু মতো কী তপস্যা তু করছু তো স্বামী বা তোর বড় দেবতা যা তা পাখকু তেণু নারীর ধর্ম বিষয়ে মহাপুরুষ সেই কথা কহিলে ধনবন্ত লোক কোকি যাচি দে অর্ণ ভাগবত ছাড়ি শোণে জ্ঞান পুরাণ জ্ঞান পুরাণ মাগো জ্ঞান পুরাণ জ্ঞান পুরাণ বাবু জ্ঞান পুরাণ অর্ণ ধনবন্ত লোক কি যাচি দেই অর্ণ জনক পাখে ধন অছি সব খাইয়া পিয়া বোঝেই অছি তাকে যাচিকি আমি অর্ণ দেবা ইয়ে মূল্যহীন নুহ তাপরে সব অছি তা কাই দেবা যা পাখে না তাকে দিও মহাপুরুষ অচ্যুতানন্দর হরিবংশ দ্বিতীয় খণ্ড এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে ভগবান শঙ্কর অদিতি ফেরাই দেলে সে আসি পতি সেবার অর্থাৎ কশ্যপ সেবার সারা জীবন বিতাই দেলে মহাসতী সি বৃন্দা আর সে যে পর্যন্ত সতী হয়ে থিব পতিব্রতা হয়ে থিব সে পর্যন্ত মরিব না আমি কোণ করা না তাহলে কোণ করা না তা সতীত্ব হরণ করা পড়ব তা সতীত্ব যে পর্যন্ত রয়েছে সে পর্যন্ত স্বামী মরিব না তাহলে করব কি খুব দেবতা মানে সাহস কলে না যে এতে ধুরন্ধর যে কাম যা দ্বারা সম্ভব তাঁকু কৌন না কি না ভগবান বিষ্ণু বৃন্দাবন তুমি করছ কে ষোড়শ হস্র গোপরি মতে বরিলে তপ করি গোবিন্দ 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 মধুগড়ছে মকরন্দ ভগবান বিষ্ণু যাই বৃন্দাবতী পাখে পৌঁছি কি কোণ কলে না জলন্ধর বেশে গলে তার সতীত্ব হরণ করলে বৃন্দাবতী যেত জাঁপারা না অভিশাপ দেলা আপনার কোণ হবি আপনার শলা ভাউজ না মু বৃন্দাবতী বৃন্দা হচ্ছে ভগবান শলা ভাউজ
लक्ष्मी हूँ जलंधर भाई तेणु भाईर स्त्री जी कौन हम शला भाज तेणु शला भाज को आप हरण कले तेणु हे प्रभु मो सतीत्व हरण कले छाड़े मो स्वामी मरी थी मुझे अभिशाप दौची आज ठार् आपत पत्थर है कि पत्थर रे पूजा पाइबे तेणु से दिन ठार भगवान शालग्राम पूजा पाँच भगवान कहले कह ठीक अच्छी तो स्वामी मरीगले सुधा सारा जगत तत्ते पूजा कर मुझे पत्थर पूजा हेबी से सारा जगत तत्ते पूजा करुथिबो सारा जगत तत्ते प्रशंसा करुथिबो सारा जगत तो पूजनीय ही रही थी जेपर्यंत चंद्र सूर्य आतजात होते हे वृंदा तू स्वामी मलापर विधवा हेबुना शंखा सिंदूर तू पिंधुबु सब बड़े आज देखो हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजने से ही वृंदावती आज कड़ी जुगर विधवा ही आज शंखा सिंदूर से धारण करुच्ची शंखा सिंदूर आम बाघर हेले कौन व्रतघर हेले आम आगे वृंदावती शंखा सिंदूर आगे आणुचे पिंधौचे नुहे तेणु सत्य जुगरे क्यों नारी विधवा ही कली जुगरे आज शंखा सिंदूर से पिंधुची सी लेखि ना वृंदावती आम वृंदावती की शंखा पिंधौचे एवं वृंदावती की सिंदूर टी पिंधौचे कौन सी मांगलिक कार्य तेणु से कहले कृष्ण बाब जेते नारी मंगल कृति बारी गोविंद 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 पदुगाड़ोची मकर तेणु कृष्ण बांधव जेते नारी मंगल कृते बरी मंगल कार्य तुम्हें वरण कर जी भगवान प्रिय कृष्ण जी बांधव तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली से आज वृंदावती शंखा सिंदूर पिंधिकी सधवा है से सत्य जुगरे स्वामी मलापर विधवा होते कि कली जुगरे सधवा है सी अच्छी बुझे तेणु सुधी जाने आज तो समय हो तो आसतु बाणी की विराम दवा प्रभुंर नाम पुणी आसंता अध्याय भेट होगा बोला हरी बोला हरी बोला बोला हरी हरी बोला हरी बोला हरी बोला बोला हरी हरी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरी बोला हरी बोला बोला हरी हरी बोला हरी बोला हरी बोला बोला हरी हरी सुधीजने ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी की विराम दवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।